दोस्तों Samsung Galaxy M10 ये फोन लॉन्च होने जा रहा है 28 जनवरी को इंडिया में, और उससे पहले ही दोस्तों इसके सारे स्पेसिफिकेशन लीक हो गए हैं और इसकी कंफर्म प्राइस भी सामने निकल के आ गई है, जो कि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, और चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर के अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं इस फोन में क्या कुछ चीजें आपको मिलने वाली है, कैसा दिखने वाला है ये फोन। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का जो है डिजाइन आपको इस फोन में देखने को मिलेगा। फोन में दोस्तों आपको 6.2 इंच का HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलने वाला है। वहीं अगर मैं इसके बैक साइड के बारे में दोस्तों बात करूं तो बैक साइड जो है दोस्तों पॉलीकार्बोनेट की होने वाली है, जहां पे आपको डुअल रियर कैमरा मिलने वाला है। यहां पे शायद आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलने वाला है। जी हां, फिंगरप्रिंट स्कैनर इस फोन में मिसिंग होगा। वहीं पे दोस्तों अगर बात की जाए इस फोन के परफॉर्मेंस को लेकर, तो यहां पे आपको Exynos का 7872 चिपसेट मिलने वाला है, जो कि काफी पुराना है। मेरे ख्याल से यहां पे अगर Samsung अपना कोई नया चिपसेट यूज करता तो वो ज्यादा बेटर हो सकता था। लगभग ये जो प्रोसेसर है 2-3 साल पुराना है, और इतना अच्छा परफॉर्मेंस शायद कि आपको इस फोन से नहीं मिलने वाला है। लेकिन ये जो फोन है काफी बजट में लॉन्च होने वाला है, तो उसके हिसाब से फिर कह सकते हैं कि हाँ ठीक ठाक ही है। फोन में दोस्तों आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेगा, 2GB रैम 16GB स्टोरेज के साथ और 3GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ। अगर बात की जाए कैमरास की दोस्तों, तो यहाँ पे आपको 13+5 MP का डुअल रियर कैमरा और 5 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इस फोन के कैमरा के बारे में कि सैमसंग का जो कैमरा होता है दोस्तों, वहाँ से आप काफ़ी अच्छे नेचुरल फोटो ले सकते हैं। वो ऐसा नहीं होने वाला है कि ओप्पो और वीवो के फोन की तरह बहुत सारा ब्यूटी मूड होगा और आपके फोटो को जो है काफ़ी अट्रैक्टिव बना देगा। यहाँ पे नेचुरल फोटो जो है आप काफ़ी अच्छे इस फोन से ले पाओगे। बैटरी की बात की जाए तो दोस्तों इस फोन में आपको 3400 mAh की बैटरी मिलने वाली है, और ये जो फोन है एंड्रॉइड 8.1 ओरियो पे रन करने वाला है। तो यही कुछ चीजें जो है दोस्तों आपको इस फोन में मिलने वाली है। और अब बात रहती है दोस्तों इस फोन की प्राइस क्या होने वाली है। तो इस फोन की जो प्राइस है दोस्तों, वो सामने निकल के आई है कि ये जो फोन है 2GB रैम 16GB स्टोरेज के साथ 7999 में लॉन्च होने वाला है। तो प्राइसिंग मुझे काफी सही लगी, बाकी आप बताओ कमेंट में आपको क्या लगता है। मुझे 8000 के हिसाब से ये फोन सही लगा, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे तो 8000 के प्राइस में कोई ऐसा फोन नहीं है जो कि आपको इन्फिनिटी वी डिस्प्ले दे रहा है और इतना अच्छा डिजाइन वगैरह दे रहा है। तो ओवरऑल में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पे फोन जो है ठीक ठाक है। अगर आप बजट में कोई फोन लेना चाहते हैं, एंट्री लेवल का कोई फोन लेना चाहते हैं, तो ये जो फोन है आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बाकी दोस्तों आप क्या सोचते हैं उस फोन के बारे में बताना मुझे कमेंट में। मिलता हूं आप तक किसी वीडियो में, तब तक के लिए